हमारे सारे कार्यक्रम वेब के माध्यम से मुक्त विद्यावाणी पर सुन सकते हैं और रेडियो के माध्यम से रेडियो वाहिनी पर सुन सकते हैं। और आपको प्रोग्राम के बारे में कोई भी क्वेरी करनी हो तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01204626949। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है nioscr@nios.ac.in। की मजदूर अधिकार पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष गिरी जी। ये उपनिदेशक हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम मंत्रालय भारत सरकार से। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं श्री सतेंद्र सिंह जी, ये श्रम सलाहकार हैं। तो सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। हम लोगों ने इस पे बहुत सारी श्रृंखलाएं करी हुई है, बहुत सारी बातें आपसे हुई है, आपके यहाँ से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने विचार रखे हुए हैं। तो सर, मैं चाहूँगा कि आप पुराने कार्यक्रम से ही शुरू करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार राहुल जी। राहुल जी, इसमें सबसे पहले जो हमारा कार्यक्रम हुआ था उसमें श्री अंकुल शर्मा जी आए थे, जो कि APFC थे, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सहायक भविष्य निधि आयुक्त थे। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना पर चर्चा की थी। जी सर। PF जो कि एम्प्लाइज को जिसका बेनिफिट मिलता है, एम्प्लाइज उसका जो शेयर होता है उसमें, जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है, तो वो 8.33% जो है वो गवर्नमेंट उसको बियर कर रही है। जी सर। तो उसकी सुविधा के बारे में बताया गया था। इसी तरह प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना है, इसमें 8.33% के अलावा 3.67% है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा बियर किया जा रहा है, उसको एम्प्लॉयर को नहीं देना है। जी सर। तो इसके बारे में श्री अंकुल शर्मा जी ने विस्तार से चर्चा की थी। जी सर। दूसरा हमारा कार्यक्रम था जो कि उप श्रमायुक्त गौतम बुद्ध नगर श्री BK राय जी के साथ हुआ था, जिसमें कि उन्होंने बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट के बारे में, उनके जो उसके अंतर्गत जो वर्कर हैं जो काम करते हैं उनको क्या बेनिफिट्स लेबर डिपार्टमेंट श्रम विभाग दे रहा है और क्या सुविधाएं उनको दी जाती हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी। जी सर। इसी तरह तीसरा प्रोग्राम हमारा हुआ था सहायक निदेशक कारखाना श्री राम बहादुर यादव जी के साथ में, जिन्होंने कि कारखानों के अंदर श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी और क्या श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्या नियम है, क्या कानून है। साथ ही पर्यावरण पे भी चर्चा हुई थी कि पर्यावरण की रक्षा के लिए कारखानों में क्या कारखाना मालिकों को प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसा कि NGT का भी आजकल आदेश है और काफ़ी इस मामले में लोग चिंतित हैं कि पर्यावरण हमारा ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए ऑलरेडी कारखानों में कारखाना एक्ट के अंतर्गत नियम बना हुआ है, तो उस पर भी चर्चा हुई थी। और आज हमारे साथ में डिप्टी डायरेक्टर ESIC श्री आशुतोष गिरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि कर्मचारियों को ESIC के द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा के द्वारा क्या सुविधाएं दी जाती हैं और क्या उनके हित लाभ हैं, क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, कैसे उनको ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, किस तरह से उनको लेनी चाहिए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर, मैं सर से जानना चाहूँगा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम मजदूरों के लिए अभी जो नए आए हुए हैं, बहुत सारे इसमें नियम आए हुए हैं, तो इसके बारे में सर कुछ विस्तृत बताएं। बिल्कुल। धन्यवाद राहुल जी। जी सर। मैं सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है ये है क्या। जी सर। दरअसल ESIC एक सामाजिक बीमा का एकीकृत उपाय है। जी सर। इसे हम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में परिभाषित कर्मचारियों को बीमारी, प्रसव, निःशक्तता तथा नौकरी के दौरान चोट लगने से मृत्यु जैसे खतरों से बचाने तथा बीमाकृत व्यक्ति एवं उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल ये ESIC एक्ट जो है वो किन पे लागू होता है, हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और लागू होने के बाद उन्हें क्या क्या सुविधाएं हम प्रदान करते हैं, हम उस पर भी आगे आएंगे। जी सर। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि कौन वो लोग हैं जो इस दायरे में, इस एक्ट के दायरे में आते हैं। तो कोई भी कर्मचारी जी सर
जो 21,000 रुपये से कम का मासिक वेतन पाता हो जी सर, और कोई भी प्रतिष्ठान, कोई भी इकाई, अगर उसके पास 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हो तो उसके ऊपर ये हमारा एक्ट लागू होता है। जो हमारी कवरेज का एरिया है, दायरा है जी सर, वो लगभग संपूर्ण भारत है। अभी हम 393 डिस्ट्रिक्ट में हैं और इसकी जो इसका जो आरंभ हुआ था वो 1952 में मात्र दो इंडस्ट्रियल सेंटर थे, कानपुर और दिल्ली जी सर, वहाँ से हुआ था। और यहाँ पे ये बड़े हर्ष की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रथम बीमाकृत व्यक्ति थे ईएसआई में जी सर, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा अच्छा, उन्हें वो मानद रूप से उन्होंने ईएसआईसी की, वो पहले हमारे आईपी के रूप में आए थे। वर्तमान में जो हमारा आधारभूत ढांचा है वो 1952 में योजना के लागू होने के उपरांत कामगारों की निरंतर बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इसमें लगातार विस्तार होता जा रहा है। तो सर, अगर देखा जाए कि जैसे आपने बताया कि जो 21,000 से कम वेतन वाले जो भी लोग हैं वो इस दायरे में आते हैं, तो सर ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठान ऐसे भी हैं जैसे जहाँ पे कुछ कर्मचारी जो परमानेंट रोल पे हैं, कुछ लोग कंट्रेक्चुअल रोल पे हैं या ऐसे अलग अलग हैं, उनमें भी बहुत सारे लोगों की सैलरी जो होती है वो 21,000 से कम पे होती है, लेकिन उन्हें इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो पाती है या नहीं हो पाती है? बिल्कुल, मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि ESI एक्ट सिर्फ जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उन पर लागू नहीं होता है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उन पर भी लागू होता है। आपके जो इमीडिएट एम्प्लॉयर हैं उसके तहत अगर कोई काम आपके कंपनी में हो रहा है उस पर भी लागू होता है, यहाँ तक कि इंसिडेंटल एम्प्लॉई जो है उस पर भी लागू होता है अगर वो 21,000 से कम का प्रतिमाह तनख्वाह पा रहा हो तो। तो श्रोताओं, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है आप लोगों के लिए कि आप चाहे परमानेंट हो, चाहे आप कंट्रेक्चुअल बेस पर हो, या कैसे भी आप कहीं भी कार्य कर रहे हैं तो आप इस सुविधा के हकदार हैं। तो सर, अगर इस पे देखा जाए तो इसमें जो उन लोगों का देना कितना होता है, जो बीमा राशि होती है उनका, जो प्रति माह जो देय होती है उसमें से उनका कितना कटता है? इसमें बहुत ही कम अमाउंट उनका कटता है। जो कर्मचारी होता है उसका शेयर 1.75% होता है जी सर, और जो मालिक होता है अर्थात एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का शेयर होता है 4.75% पूरे वेतन का, टोटल 6.5%। तो सर, इसके लिए तो फिर जो एम्प्लॉयर है उसकी भी रजामंदी जरूरी है? रजामंदी की बात नहीं, यहाँ पे राहुल जी ये समझना पड़ेगा, श्रोताओं को भी मैं आज बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि ये मैंडेटरी है जी सर, ये एक्ट ऑप्शनल नहीं है। जैसे कि पीएफ में है, अंकुश शर्मा जी ने आप लोगों को बिल्कुल बताया होगा कि वहाँ स्वैच्छिक भी है। हाँ, मैंडेटरी आस्पेक्ट उसका एक है, इसके साथ साथ स्वेच्छा से भी कोई एम्प्लॉयर चाहे तो इस एक्ट में आ सकता है जी सर। लेकिन हमारे यहाँ जो ESI एक्ट है ये इसकी एप्लीकेबिलिटी जो होती है ये स्वैच्छिक नहीं है। अगर कोई प्रतिष्ठान जिसमें 5 कर्मचारी काम कर रहे हों और वो चाहे कि हम ESIC का कवरेज ले लें तो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्वेच्छा से नहीं है, ये मैंडेटरी है। इसकी मिनिमम शर्तों को पूरा करने के उपरांत ही उसको मिलेगा और ये उसके लिए करना आवश्यक है, ये ड्यूटी बाउंड है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उसे उसकी रजामंदी की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे उसके पार्ट पे मैंडेटरी है जी जी। तो सर, इसमें अगर देखा जाए जो लोग दैनिक मजदूरी करते हैं या डेली वेजेस के होते हैं कर्मचारी, तो उन्हें अंशदान के रूप में कितना देना होता है? वही 1.75% जी, मतलब उनका जो पर डे का है उसकी में से वो इतना देंगे। पर डे का आप मंथली सैलरी निकालेगा एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर निकाल के उसका 1.75% एम्प्लॉय शेयर काटेगा और 4.75% वो अपना शेयर काट के जमा करेगा। ये तो सर, अगर ये तो इसकी क्या परिचय हो गया, अगर इसके हम ढांचा की बात करें, आधारभूत ढांचा जो है इसका, तो उसके बारे में कुछ बताएं। आधारभूत ढांचा इस हमारे जो आज के डेट में हम लोग जो सुविधाएं प्रदान करते हैं कर्मचारियों को, तो हमारे पास 155 अस्पताल हैं जी सर, 42 अस्पताल एनेक्सी है, 1467 कर्मचारी राज्य बीमा निगम औषधालय है
और 159 आयुष इकाई है। हम लोग आयुष पे भी काम कर रहे हैं, आयुर्वेदा की हमारी 159 इकाइयाँ हैं और 948 पैनल क्लिनिक है जिसके माध्यम से हम इन्हें प्राथमिक तथा वाह चिकित्सा की जो संभावना है उसको कम से कम करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारा सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट भी है जो हम अपने टाइप जो अस्पताल हैं उसके माध्यम से हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं। जी सर, तो सत्येंद्र जी आप ऑलरेडी श्रम सलाहकार हैं, मजदूरों को सलाह देते हैं, उन्हें कानून के बारे में बताते हैं, तो इन सब चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाते हैं? अभी हम लोग ये कदम उठाते हैं, हम लोग अवेयर करते हैं कि अवेयर करने के साथ में उनको हम लोग एक्ट के बारे में उनको नॉलेज देते हैं कि आप किस तरह से आपको ये सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, किस तरह से आपको इस सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं, आपके श्रमिक इसका लाभ उठा सकते हैं और आपको इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे श्रमिकों को इसका बेनिफिट्स है। श्रमिकों के साथ साथ एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट्स होते हैं। एम्प्लॉयर को बेनिफिट्स, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट्स आप ये मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी भी श्रमिक को कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी डेथ केस है या फैटल एक्सीडेंट है या नॉन फैटल किसी भी टाइप के एक्सीडेंट में तो उसमें उनको उनके ऊपर WCA एक्ट जो कि अब एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट हो गया है तो वो एप्लीकेबल होता है। तो अगर ESI में कवर्ड है तो वो ECA एक्ट से नहीं एप्लीकेबल होगा, उससे बच जाता है वो। तो इस तरह से हम लोग उनको अवेयर करते हैं, अवेयरनेस के थ्रू हम लोग उनको जागरूक करते हैं कि आप लोग मतलब इसके कवर कराइए, इसमें अधिक से अधिक लोगों को। सर आप एक NGO भी चलाते हैं मजदूरों के उत्थान के लिए, तो आप अभी NGO जो आप चला रहे हैं तो उसमें अभी कोई कार्यक्रम मजदूरों को के उत्थान के लिए जो अभी तत्काल में कर रहे हो तो उसके बारे में कुछ बताएं। हम लोग अवेयरनेस का ही कार्यक्रम है हम लोगों का, बेसिकली अवेयरनेस के थ्रू ही हम लोग वो कर रहे हैं कि श्रमिकों को भी उनके हितों के बारे में जानना चाहिए, उनके हितों के बारे में बताना और साथ में एम्प्लॉयर को भी उनके हितों के बारे में बताना कि वो अगर श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं देते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और श्रमिकों के अंदर भी एक सुरक्षा की भावना आती है जिससे कि वो जम के काम करते हैं और आपका प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो इसी के बारे में उनको अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, साथ में और भी लेबर लॉ में कई चीज़ें होती हैं जैसे। तो अभी सर तत्काल में किसी खास जगह पे आप ये अपना कार्यक्रम कर रहे हों? हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में ही करते हैं, इंडस्ट्रीज में, नोएडा में भी चल रहा है हमारा, गाजियाबाद में भी चल रहा है, दिल्ली NCR एरिया में पूरा चल रहा है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना है इसमें कौन कौन से हित लाभ शामिल हैं? बिल्कुल, ये हमने अभी आपको इसके कवरेज आस्पेक्ट के बारे में बताया, आपको ये भी बताया कि किन के ऊपर ये लागू होता है। तो इसके साथ साथ जो हमारी योजना के जो हित लाभ हैं, बेसिकली जो प्राथमिक हित लाभ है वो है, इसीलिए से हमें पंचदीप कहते हैं, 5 हित लाभ हमारे हैं। इसको कहते हैं बीमारी हित लाभ, सिकनेस बेनिफिट, निःशक्तता हित लाभ, डिसेबलमेंट बेनिफिट, आश्रित जन हित लाभ, डिपेंडेंट बेनिफिट, और मातृत्व हित लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट, और चिकित्सा हित लाभ, दैट इज़ कॉल्ड मेडिकल बेनिफिट। तो ये 5 आधारभूत मेन जिसको कह सकते हैं कि बेनिफिट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं ESI के माध्यम से। इसके अलावा अन्य बेनिफिट्स भी हैं जैसे राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना है, हम फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी देते हैं अंत्येष्टि के लिए 10,000 रुपये उन्हें दिया जाता है, फिर शहरी पुनर्वास है, बेरोजगारी भत्ता है, व्यावसायिक पुनर्वास है, इस तरह का कौशल उन्नयन के में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर ये अगर देखा जाए तो मतलब इसमें जितने भी हित लाभ हैं करीब करीब एक मजदूर के जितनी भी समस्याएं होती है वो चिकित्सा संबंधी जो भी हो जाए या जो उन पे आश्रित हैं उनके भी हित लाभ की बात इसमें हो गई, उनके माता पिता के भी हित की बात हो गई, उन्हें खुद का भी मेडिकल का की जो भी सुविधाएं हैं उसकी भी हो गई, उसके बाद जो अंत समय जिसे बोला जाता है उसके लिए भी ये चीज़ हो गई। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें जो एक ही ये संगठन है या कोई इसके अंतर्गत और भी संगठन आते हैं? नहीं नहीं, ये ESI एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन का कार्य है ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास ही है और
ये मैंडेटरी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। इसके अंतर्गत और कोई भी अलग अलग कोई ना कोई एक्ट है और ना ही कोई इस तरह की चीज़ें हैं। तो सर इसमें एक चीज़ और आता है कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे सरकारी प्रतिष्ठानों में भी लोग बहुत सारे जॉब करते हैं, उनकी भी सैलरी बहुतों की जो होता है 21 से नीचे होता है, तो वैसे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं या उनके लिए उस प्रतिष्ठान से कुछ करना पड़ेगा? नहीं, देखिए जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उनके लिए जो सरकार की ओर से जैसे CGHS स्कीम है उसमें उसके तहत वो गवान होते हैं, उनके लिए ESIC नहीं है वो। हाँ, अगर किसी सरकारी दफ्तर में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कार्यरत है तो उसके ऊपर ESIC लगा हुआ है। अच्छा सर, तो सर अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात की जाए तो उसके हिसाब से सामाजिक सुरक्षा के क्या क्या मायने होंगे? देखिए ILO भी जो कहता है वो कहता है कि सुरक्षा उसे कहते हैं एक निश्चित जोखिम के विरुद्ध उपयुक्त संगठन द्वारा समाज की सुरक्षा के लिए की जाती है। यह जोखिम उन लोगों के लिए आपात स्थितियाँ हैं जिससे वे केवल न अपने स्वयं की सामर्थ्य या दूरदृष्टि अथवा अपने सहयोगियों के साथ निजी भागीदारी से भी प्रभावी तौर पे नहीं निपट सकते हैं। इसीलिए सामाजिक सुरक्षा के तंत्र में प्रकृति के घोर अन्याय का सामना करने और इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए हित साधन पूर्व युक्तियुक्त सुनियोजित न्यायपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के आलोक में अगर आप देखेंगे तो ESIC बिल्कुल उन मानकों पर खरा उतरता है। तो सर अभी जैसे हमने बात की कि इसमें बहुत सारे हित लाभ शामिल है, जैसे बीमारी हित लाभ हो गया, निःशक्तता हित लाभ हो गया, आश्रित जन हित लाभ हो गया, मातृत्व हित लाभ हो गया और चिकित्सा हित लाभ हो गया, तो सर इसके अगर डिटेलिंग में जाएं तो बीमारी हित लाभ में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? हाँ, मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ कि ये जो अगर हम इस तरीके से बात करें तो समझ में नहीं आता लोगों को कि ये हित लाभ हमें क्या हमें प्रोवाइड करता क्या है जी। तो मैं इसे थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। दरअसल जो बीमारी हित लाभ है वो ये है कि सिकनेस बेनिफिट जी सर, मीन्स अगर कोई श्रमिक कार्य करने के दौरान बीमार पड़ जाता है उस कारण से वो जा नहीं पाएगा जी, मालिक उसकी मजदूरी काट लेगा तो उसको हम लोग कंपनसेट करते हैं जी। ये उसको सिकनेस बेनिफिट कहते हैं। हमारा एक कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है, उसका करस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड होता है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर उसे सर्टिफिकेट देता है और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से वो हमारे लोकल ऑफिस स्थानीय कार्यालय जा करके उसे हम ये बेनिफिट कैश बेनिफिट के रूप में भी कहता था क्योंकि पहले हम इसे कैश दिया करते थे जी सर। जब से ये मोदी जी की अभी योजना कैशलेस की तो अभी आई है, भारत सरकार की जो योजना आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इसे उसके पहले ही कैशलेस कर दिया है और आज वर्कर सारे जितने भी वर्कर हमारे यहाँ इनरोल्ड हैं वो सबका किसी न किसी बैंक में खाता है और उनके इन हित लाभों का पैसा सीधे उनके खाते में चला जाता है। तो बीमारी हित लाभ का भुगतान जो है वो लगातार, जैसे मैंने आपको बताया बेनिफिट पीरियड है, तो दो लगातार हित लाभ अवधियों में 91 दिनों तक औसत दैनिक मजदूरी के 70% की दर से किया जाता है जी सर। इसके अलावा इसी में है एक मान लीजिए कि वो और अधिक बीमार हो गया, उसकी बीमारी ऐसी हो गई कि वो इतने दिनों में नहीं हुई, 90 दिनों से ज्यादा बढ़ गई, तो उसे हम लोग वर्धित बीमारी हित लाभ देते हैं जी सर। और एक एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट है, वो 3 वर्षों की ESB अवधि के दौरान चिकित्सा व्यवसायियों तथा चिकित्सा बोर्ड की सलाह के अनुसार, उसमें मेडिकल बोर्ड बिठाते हैं जी सर, मेडिकल बोर्ड सलाह देती है, तो ये 124, 309 और 730 दिनों तक भी ये औसत दैनिक मजदूरी के 80% की दर तक दे होता है। मतलब अगर देखा जाए तो 2 साल लगभग दो साल के आसपास की हो जाती है सर। ये तो इसमें बहुत सारी जैसे ऐसे भी होते हैं जैसे महिला हैं, महिला मजदूर हैं, तो उन्हें कुछ ऐसी भी ज़रूरतें होती हैं जैसे उन्हें बच्चा होने वाला हो या ऐसी बहुत सारी दिक्कतें उन लोगों के साथ खास करके महिलाओं के साथ होती रहती है, तो उनके लिए सर क्या मैटरनिटी बेनिफिट है जी? मैंने आपको बताया हमारे मेन बेनिफिट्स में एक है मैटरनिटी बेनिफिट जिसे मातृत्व लाभ कहते हैं जी सर। ठीक है, ये 26 सप्ताह तक और गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह, अगर उसका मिसकैरेज हो जाता है जी सर 6 वीक, अदरवाइज 26 सप्ताह तक हम लोग उसको भुगतान करते हैं।
इसके अलावा मैंने आपको बताया था निःशक्तता, जी सर। तो ये जैसे आप इसे ऐसे समझिए उदाहरण के तौर पे कि कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसकी दो उंगलियां कट गई, जी सर, तो वो हाथ से काम करने में तो लाचार हो गया, काम करने से लाचार हो गया, जी सर। और वो भी अगर वैसी जो क्लास ऑफ इंडस्ट्री है वो इस तरीके की है कि जहाँ पे वो हाथ से उसके उसके हाथ की बहुत वैल्यू है, जी सर, तो उसके लिए हम लोग मेडिकल बोर्ड बिठाते हैं। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर की एक टीम होती है, वो टीम एनालाइज करके इस बात का पता लगाती है कि इसकी निःशक्तता अर्थात इसकी डिसेबलमेंट कितने परसेंट हो गई। मतलब तो अगर ये फुल्ली इसका कोई भी अंग भंग ना हुआ होता तो ये कितना, तो 100 उसकी उसकी जो जो कार्य करने की क्षमता थी क्षमता 100% थी, जी सर। और अगर कट गया तो क्षमता कम हो गई, तो कितनी प्रतिशत क्षमता कम हो गई उसका आकलन करके मेडिकल बोर्ड हमें बताता है और अकॉर्डिंगली उसकी पेंशन बन जाती है। अच्छा अच्छा सर, तो अगर इसमें सर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका राहुल जी, और मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को और अगर कोई मजदूर भाई हमारे सुन रहे हो तो बताना चाहूँगा कि दरअसल ईएसआई, जैसे कई लोग समझते हैं ईएसआई क्यों कटवाना है, जी सर, ये लोगों में आती है भाव की, क्योंकि हमारे देश में इंश्योरेंस के प्रति एक आम आदमी का नज़रिया भी बहुत अच्छा नहीं है, जी सर। लेकिन यही जो अभी आपने सवाल किया, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये इतना बड़ा हित लाभ है ईएसआई एक्ट जो प्रोवाइड करती है कि अगर ईश्वर न चाहे मजदूर की मृत्यु हो जाती है, जी सर, उस दशा में अगर आप इसको सोचें और अगर आप इस पर गहन विचार करें तो एक मजदूर समाज का बहुत ही निचला वर्ग होता है, जी सर, और उसके ऊपर उसकी तमाम उसके डिपेंडेंट माता पिता होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, जी सर, कमाने वाला वही एक व्यक्ति होता है, और अगर वो व्यक्ति उसकी मृत्यु अगर हो जाती है तो पूरा परिवार सड़क पे आ जाता है, पूरा परिवार खत्म होने के खत्म होने पे आ जाता है। तो ऐसी दशा में ईएसआई बहुत ही बड़ा सहारा होता है, यही हमारा डिपेंडेंट बेनिफिट है। डिपेंडेंट बेनिफिट में हम उसके जो उस मजदूर के आश्रित हैं और आश्रित में उसके माता पिता, जी सर, उसकी पत्नी और बच्चे, इवन कुछ केसेस में उनके भाई बहनों को भी लिया जाता है, उनको हम लोग एक हमारा एक कैलकुलेशन की एक विधि है, उस विधि के तहत लगभग 90% तक उसकी जो मासिक मजदूरी होती है, जी सर, उसके लगभग 90% तक का भुगतान हम लोग उसको करते हैं पेंशन के रूप में, और वो विधवा को आजीवन जब तक वो जिंदा रहेगी, जी सर, माता पिता को भी जब तक वो जिंदा रहेंगे, और बच्चों को 25 साल की उम्र या बच्चियों के केस में अगर उनकी शादी हो जाती है तो। हाँ, मतलब वो एक ऐसे मोड़ पे आ जाएं कि वो स्वावलंब में खड़े हो जाएं, बिल्कुल, बिल्कुल, तब तक ये उन्हें सहयोग करती रहती हैं। सर, अभी हमने मातृत्व हित लाभ की बात की, तो इसमें सर अभी तक अगर इनके कितना परसेंटेज तक दिया जाता है, जो इनकी पर डे आय होती है उसका परसेंटेज क्या होता है? 100% तक देते हैं हम लोग, मतलब इसमें कोई कटिंग नहीं। उसके बाद सर जो चिकित्सा हित लाभ है, इसके लिए क्या करना होता है? चिकित्सा हित लाभ वो प्राइमरी केयर है, सेकेंडरी केयर है और टर्शियरी केयर है, तो ये हमारे जैसे मैंने आपको बताया हमारे अस्पताल हैं, औषधालय हैं, क्लिनिक्स हैं, आयुष इकाई है, तो वहाँ पे ये जाते हैं उनको दवाइयाँ, और ये डे वन से उनके लिए अवेलेबल है। जिस दिन से वो हमारे इसमें इनरोल होते हैं उस दिन से वो मेडिकल बेनिफिट के लिए इंटाइटल हो जाते हैं, वो जाकर के कहीं से भी दवाई ले सकते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी पर सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम बात कर रहे थे मजदूर अधिकार पे, और मजदूर अधिकार पे हमने बहुत सारी बातें की। हमारे साथ मौजूद हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम से उपनिदेशक श्री आशुतोष गिरी जी, और साथ में मौजूद हैं हमारे श्री सत्येंद्र सिंह जी जो कि श्रम सलाहकार हैं। तो सर, हमने पहले बहुत सारी बातें की जिसमें जितने भी हित लाभ हैं उनके बारे में बात की, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में बात की, जो भी मजदूरों के अधिकार हैं उनके बारे में बात की। तो सर, इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि पहले जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम था और अब, दोनों में क्या बदलाव आए हैं? देखिए, पहले में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
जी सर, पहले जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जो हमारी सुविधाएं थी, सुविधाओं के लिहाज से भी, क्योंकि सारी चीज़ें कंप्यूटराइज नहीं थी, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, सारी चीज़ें मैनुअल होती थी। कर्मचारी को भी अगर कोई भी काम कराना है, कोई भी फैसिलिटी लेनी है, तो उसको लोकल ऑफिस जाना पड़ता था, अपने एम्प्लॉयर के पास चक्कर लगाने पड़ते थे, उसके बाद फिर साइन कराना है कुछ भी, तो उसके लिए अब सारी चीज़ें ऑनलाइन है। और सबसे बड़ी बात है, इसको सबको आधार से लिंक कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि एम्प्लॉय का जो भी चालान जमा होता था, एम्प्लॉयर जो जमा करता था एम्प्लॉय के जो भी कंट्रीब्यूशन का, तो वो मैनुअल होता था चालान जमा, और मैनुअल जमा होने के बाद फिर बैंक में घंटों लाइन में लगना पड़ता था। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप चालान जमा कर देते हो अपने बैंक से, NEFT के थ्रू आप जमा कर सकते हो चालान। और इसी तरह एम्प्लॉय का कार्ड जो था वो भी मैनुअल बनता था, फिर बाद में आया कि डिजिटल कार्ड बनने लगा आधार कार्ड के थ्रू, उसका कार्ड भी बनने लगा। अब वो भी ख़त्म कर दिया गया, अब कार्ड भी नहीं बनता है, अब केवल आधार कार्ड से ही लिंक कर दिया गया, अब अंगूठा लगा के उसको अपना इतला ले सकता है। इसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल पहले इनके पैनल पे नहीं थे, जो सुविधाएं इनके यहाँ पर उपलब्ध थी उसी को ही ये बेनिफिट एम्प्लॉय को जो माही से मिल पाता था। अब ऑनलाइन होने की वजह से और प्राइवेट अस्पताल इनके पैनल पे आने की वजह से अब स्पेशलाइजेशन जो सुविधाएं वो भी इनको मिलती हैं एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉय चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करा के वहाँ पर अपना पूरा खर्चा जो उसका वो ESI बेयर करेगी। तो सर ये तो इसमें बदलाव की बात होगी, अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह होंगे सर जहाँ पे कि ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो वहाँ के लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं? नहीं बिल्कुल राहुल जी, इस पर प्रकाश डालेंगे। मैं सतेंद्र जी की बातों को ही और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। जी सर, देखिए जो एक ऑनलाइन सिस्टम और ऑफलाइन सिस्टम का के बीच का जो फ़र्क होता है जी, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज हम 4G यूज कर रहे हैं। आज से पहले जो सिस्टम था, मैनुअल सिस्टम में खामियां होनी लाजमी थी क्योंकि कई तरह की समस्याएं थी, लेकिन ESIC ने कंप्यूटराइजेशन इतना जल्दी किया और इतने सक्सेसफुली हम लोगों ने किया कि ये श्रम सलाहकार हैं, ये लोगों से मिलते होंगे और तभी इन्होंने इस चीज़ को अभी पॉइंट आउट किया। आज हमारे दफ्तर में न कर्मचारी और न ही एम्प्लॉयर, जी सर, उन्हें आने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, अनलेस अनटिल कोई बहुत ही बड़ी कोई समस्या ना हो जाए। जी सर, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि हम लोगों ने पहले, सबसे पहले जो IP हमारा हुआ करता था, एक मंत्र दिया IP is VIP, और मंत्र दिया हमारे DG साहब थे उस समय, तत्कालीन DG साहब डॉक्टर केदार साहब, उन्होंने दिया था एक मंत्र IP is VIP, IP is your VIP। और उसके पहले चतुर्वेदी साहब थे हमारे DG, उन्होंने एक मंत्र दिया था चिंता से मुक्ति। ये चिंता से मुक्ति बहुत ज़्यादा व्यापक इसका प्रचार प्रसार भी हुआ था और लोगों ने इस चीज़ को सराहा भी था। उसी दिशा में प्रयास करते करते हम लोग आज इस लेवल तक पहुँचे हैं कि नाउ रियली IP is VIP और चिंता मुक्त हो गया है वो, क्योंकि उस समय मैनुअल कार्ड हुआ करता था, फोटोग्राफ चिपकाइए, स्थानीय कार्यालय जाइए, वहाँ से उसको वेरीफाई करवाइए। उसके बाद हम सिस्टम पे आए, हमने एक स्मार्ट कार्ड इशू किया, एक ATM कार्ड की तरह स्मार्ट कार्ड इशू किया सारे वर्कर्स को, और वो दो स्मार्ट कार्ड हुआ करते थे, एक उसके अपने लिए और दूसरा उसकी फैमिली के लिए, डिपेंडेंट लोगों के लिए, हाँ, जो उसकी फैमिली थी उसके लिए। अब हम उससे भी आगे चले गए हैं, अब हमारा इंटायर डाटाबेस वो आधार से हमने उसको लिंक करा दिया, सीट कर दिया है जी। अब किसी भी IP को या IW को कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारा स्मार्ट कार्ड यूज करे या हमारे दफ्तर का चक्कर लगाए, वो अपने जो जैसे ही उसका फॉर्म फिल किया जाएगा, जिसको डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं हम लोग, वैसे ही उसका एक IP नंबर जनरेट हो जाता है। ये भी ऑटोमेटिक है जी, ये प्रोसेस ही ऑटोमेटिक है जी। और उस IP नंबर के साथ साथ ही उसका एक TIC जनरेट होगा, टेम्प्ररी आइडेंटी कार्ड, उसको कहते हैं E-पहचान कार्ड जी सर। और E-पहचान कार्ड उसका जो जनरेट होगा, उसमें सीधा एक लिंक आता है आधार का, वहाँ जाकर के आधार सीड कर दीजिए, उसके बाद हमारे डाटाबेस में वो आ जाएगा सारा का सारा, उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है कोई किसी कार्ड की, उसका वो E-पहचान कार्ड ही उसका I कार्ड है, आधार वेरीफाइड होना चाहिए। किसी भी अस्पताल में जाइए हमारे, आप वहाँ सुविधा ले सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार आईटी का बहुत व्यापक रोल है, ये हमारा आप सब समझते हैं, जो कवरेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है। जी सर, जैसे कि पहले एम्प्लॉयर है तो 01 फॉर्म लाया, भरा, जमा किया, फिर एसएसओज हमारे जो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी हैं वो जाएंगे, जाकर के दे वेरीफाई करेंगे, फिर उनको कोड नंबर अलॉट होता था। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता था। जी, अब वो भी आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। ये उन एम्प्लॉयर्स के लिए, अगर वो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो ये जानकारी मैं उन्हें बताना चाहूँगा, देना चाहूँगा कि अब कोई आवश्यकता नहीं है फिजिकल फॉर्म में, आपको कोई भी फॉर्म हमारे दफ्तर में, हमारे ऑफिस में आकर के जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, उस पोर्टल पर जा कर के अपने इंडस्ट्री को, अपने यूनिट को आप रजिस्टर करा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको C11 कहते हैं, वो जनरेट हो जाएगा और वो कंपनी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगी, हमारे डाटाबेस में उसकी एंट्री हो जाएगी। जी सर, तो अब सब कुछ ऑनलाइन होने से सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। हाँ, आपने एक सवाल किया कि जो जो डिस्ट्रिक्ट अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। जी सर, देखिए इस दिशा में बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। अभी हम लोगों ने 393 डिस्ट्रिक्ट को फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दिया है। जी सर, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में, सपोज किया जाए कि एक डिस्ट्रिक्ट में 50 रेवेन्यू विलेज हैं। जी सर, तो हम लोग 3 या 4 रेवेन्यू विलेज में हमारा इम्प्लीमेंटेशन था। जी सर, लेकिन 1 जनवरी से वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हमारे फुल्ली इम्प्लीमेंटेड हो गए। ये डिपेंड करता है, कई जगह नोटिफिकेशन जो होती है स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो कई जगह किसी और डेट से हुआ, कई जगह किसी और डेट से हुआ। जी सर, तो ये अभी यूपी में हमारे 41 जिलों में फुल्ली इम्प्लीमेंटेड है। जी सर, बाकी के जिलों में अभी करना है। नोएडा के, जो चूँकि मैं नोएडा उप क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा से हूँ, तो नोएडा में हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं और 7 डिस्ट्रिक्ट में फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन है, सिर्फ बागपत और बड़ौत अभी नहीं है। इस दिशा में बहुत तेज़ी से प्रयास किया जा रहा है और संभवतः नए वर्ष में हम लोग इस टारगेट को भी अचीव कर लेंगे और पूरा भारतवर्ष जी सर कवरेज के अंदर आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। तो सर, इसमें बहुत सारे ऐसे भी जगह होंगे जिस इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, बहुत सारे ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ रिस्क बहुत कम होता है, बहुत ऐसे भी ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे रिस्क ना के बराबर है। बिल्कुल, तो इन सब के लिए ये सुविधाएँ बराबर हैं या किसी के लिए ज़्यादा है, किसी के लिए कम है? देखिए राहुल जी, बिल्कुल सवाल आपका सही है, लेकिन जैसे आप लीजिए जीवन बीमा निगम को, जो हमारा LIC या तमाम प्राइवेट संस्थाएं हैं वो प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ भी वो इस में भेदभाव नहीं करता है कि कोई व्यक्ति कितना स्वस्थ है और कोई व्यक्ति या कितनी कितने अगर एक व्यक्ति है जो रोज़ सुबह उठकर व्यायाम करता है, नियमित सेवन करता है, अच्छे पुष्ट आहार का सेवन करता है, और एक बेचारा जो बेचारा उसको है ही नहीं, तो लेकिन LIC उसमें या कोई भी बीमा उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि एक प्रकार का बीमा है। जी सर, और इसके लिए आपका कहना उचित है कि जैसे कोई क्लास हैवी इंडस्ट्रीज है। जी सर, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे मजदूरों के हाथ वगैरह हाथ आए दिन कटते रहते हैं। तो हम लोग उनको उसी हिसाब से हिसाब प्रदान करते हैं। और कुछ ऐसे है कम रिस्क वाले, जैसे सपोज कॉल सेंटर्स वगैरह हैं, आप कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। जी जी सर, लेकिन हाँ, हम लोग कोई डिफ्रेंशिएटेड में नहीं करते। जी, कहीं ना कहीं और एक सरकारी तंत्र होने के नाते भी हमें डिफ्रेंशिएट करना भी नहीं चाहिए ना। और वैसे भी देखा जाए तो कहा भी जाता है कि बीमारी और दुख कह के नहीं आता। बिल्कुल, ये किसी के साथ भी आ सकता है। हम लोगों को भले ही लगता हो कि ये आदमी यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो जल्दी हो जाएगा, वैसी जगहों पे लोग अच्छे रह जाते हैं और ऐसे कॉल सेंटर वगैरह करने में ही बहुत सारे लोगों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे देखिए मैं इसमें बताता हूँ कि हेवी इंडस्ट्रीज में रिस्क ज़्यादा है। जी सर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक कॉल सेंटर का एम्प्लॉई रिस्क नहीं है, क्योंकि हम उसके एक्सीडेंट को भी कवर करते हैं। अगर वो घर से ऑफिस आते हुए और ऑफिस से घर जाते हुए कम्यूटिंग एक्सीडेंट करते हैं, अगर रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पर भी हम उनके डिपेंडेंट्स को बेनिफिट देते हैं, वहाँ हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। तो ये तो कोई नहीं जानता कि वो बेचारा कॉल सेंटर का एम्प्लॉई जा रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, पीछे से ट्रक नहीं आ गया, ये बस ने आके धक्का मार दिया, उसकी मौत हो गई। तो सर, इसमें हमने अभी बात की बहुत सारी हित लाभ की,
तो इसमें कोई हित लाभ अगर छूट गया हो तो मैं चाहूंगा कि आप उस पर नहीं छूट तो नहीं गया है, हम लोगों ने लगभग सब के बारे में बात कर ही दी है, लेकिन जैसे सेवानिवृत्ति हित लाभ है जी सर, और प्रसूति खर्च है, प्रसूति व्यय है, बताया मैं 6 हफ्ते के लिए हम लोग देते हैं, 5,000 का भुगतान भी करते हैं उसके लिए, अंतिम संस्कार का खर्च है जिसको फ्यूनरल एक्सपेंसेस कहते हैं जी, तो वो हम लोग 10,000 रुपये देते हैं, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं है, उसके अंतिम संस्कार के लिए उसका कोई भी परिजन आकर के सिर्फ एक सिंपल फॉर्म होता है वो जमा करके वो पैसे उसे हम दे देते हैं जी, जी। बेरोजगारी भत्ता है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत हम लोग उसको देते हैं कि उसमें फैक्ट्री बंद हो जाती है, छटनी हो जाती है, तो उसमें उसके लिए हम लोग उसको भत्ता प्रदान करते हैं। तो सर ये बेरोजगारी भत्ता जैसे हो गया तो इसमें ये इसका टाइम पीरियड क्या होता है सर? देखिए टाइम पीरियड इसमें वैसा कोई डिफाइन नहीं है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि फैक्ट्री बंद होने, छटनी अथवा गैर रोजगार चोट के कारण स्थायी असक्षमता से बेरोजगार की अस्वैच्छिक हानि और रोजगार जाने से पहले 3 वर्ष के लिए अंशदान के भुगतान के मामले में देय होता है, 2 महीनों के लिए औसत दैनिक मजदूरी का 50%, 13-14 महीनों की अवधि के लिए 25% के दर पर किया जाता है ये जी सर। और ये जो सेवानिवृत्ति हित लाभ है तो इसका क्या है? ये वही है सेवानिवृत्ति में जो, देखिए अगर कोई व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक बीमाकृत वो है ठीक है जी, और सेवानिवृत्ति की उसकी आयु पूरी हो जाती है और 120 रुपये के मासिक अंशदान पे जी वो हमारे बेनिफिट्स ले सकता है। अच्छा सर, उसका 120 रुपया उसको महीना हमें देना पड़ेगा जी जी। ये तो सर इसमें अगर बात की जाए तो बहुत सारे एम्प्लॉयर जो होते हैं जो ये नहीं चाहते कि हम अपनी कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड कराएं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो अपना दिखाते हैं कि मेरे यहाँ 5 ही लोग काम कर रहे हैं तो हम इस दायरे में नहीं आएंगे, तो ऐसे लोगों को की अगर शिकायत करनी हो या उनका कोई भी कंप्लेन करना हो, या अगर मजदूर अपने अधिकार के लिए ये चाहे कि मैं इस एम्प्लॉयर के बारे में बताऊं कि हमारे यहाँ इतने लोग हैं, तो इसके लिए सर क्या करना होगा? देखिए राहुल जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल होता क्या है कि ये बिल्कुल सत्य है, कई एम्प्लॉयर नहीं चाहते हैं जी सर, कई बार ऐसी स्थिति का सामना भी करना पड़ता है जो हमारे संज्ञान में आता है कि वर्कर मजदूर भी नहीं चाहता है, उसकी अनभिज्ञता होती है, उसे पता ही नहीं होता कि ये बीमा हमारे लिए कितना उपयोगी है जी सर। तो आपने कहा कि इसके लिए क्या उपाय है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब से हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन पर शिफ्ट हुए हैं तो बड़ा ही आसान है। देखिए एक सीपी ग्राम है, प्रधानमंत्री जी का पोर्टल है जी, अगर आप सीपी ग्राम पे एक कंप्लेंट डाल दें तो वो 3 दिनों के अंदर हमें हल करना होता है। अच्छा, तो अकॉर्डिंगली हम उस पर कर सकते हैं। हमारा अपना पीजी पोर्टल है जी सर, हमारी अपनी एक शिकायत का पूरा प्रकोष्ठ है, उसमें आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं, और शिकायत करने के लिए ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा उसका ये कि कितने लोग काम कर रहे हैं क्या ये सब दें। अगर आप बिल्कुल एक जेन्युइन शिकायतकर्ता के तहत अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह अगर दे देते हैं तो हम लोग बिल्कुल उसके ऊपर कार्य करते हैं और उस फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध जो भी अभियोजन की कार्रवाई होती है हम लोग करते हैं। सर इसमें एक डर एम्प्लाई को एनी टाइम बना होता है कि कहीं अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर पे कोई भी क्लेम किया तो मेरी जो भी सूचनाएं हैं, मेरी तो हो गई है कि मैंने ही कंप्लेंट किया है, तो बाद में ऐसा ना हो कि वो एम्प्लॉयर हमें निकाल दे या अलग अलग तरह से प्रताड़ित करे, तो इसके लिए भी बहुत सारे लोग कंप्लेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसका कोई नहीं। देखिए इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे हमारा पीजी पोर्टल है जी सर, अब उस पर वो ऐसी स्थितियाँ आती हैं, जैसे मैं संयोग से मैं पीजी ऑफिसर भी हूँ इस उप क्षेत्रीय नोएडा का जी सर, तो मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। दरअसल एक कंप्लेंट हमारे पास आई जी, नाम पुरुष का था, संजय या संजीत ऐसा कुछ नाम था जी, मोबाइल नंबर दिया हुआ था, जो उसकी कंप्लेंट थी बहुत क्लैरिटी उसमें नहीं थी जी सर, लेकिन उसने सीपी ग्राम पे किया था तो वो कंप्लेंट हमारे पास आई। इमीडिएटली मैंने उस मोबाइल नंबर पे फ़ोन किया तो किसी महिला ने उठाया जी सर, मैंने पूछा कि ये कंप्लेंट इस नाम से की गई है और ये मोबाइल नंबर है जी सर, तो उसने बताया बिल्कुल यही बात जो आप पूछ रहे हैं जी सर, कि दरअसल वो हमारे देवर हैं
जी जिनके नाम से कंप्लेंट की है, कंप्लेंट मैंने ही की है। अच्छा उस महिला ने बताया कि कंप्लेंट मैंने ही की है और सर मैं इसलिए मैंने अपना नाम छुपाया कि जैसे ही मेरा नाम आएगा तो एम्प्लॉयर ऑलरेडी मुझसे परेशान है और वो मुझे तंग करेगा, तो इसे जी मैंने छुपाया। जी सर तो अब ये जब हमारे संज्ञान में आ गया तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कार्रवाई, जो अपेक्षित कार्रवाई थी वो की गई। जी तो सर इसीलिए यह आवश्यक नहीं है, और हम लोग इसको ऐसा तो है नहीं कि सरकार फिर उसके लिए उसके एम्प्लॉयर को जाके बताए कि नहीं इसने कंप्लेंट किया। जी तो जी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं उसकी गोपनीयता बरकरार रखते हैं और जो भी उसको उचित न्याय मिल सके इस दिशा में कार्रवाई करते हैं। तो इसमें जो भी मजदूर भाई हमें सुन रहे हैं, जो भी हमारे श्रोता मजदूर हैं या कहीं काम कर रहे हैं या अलग तरह से कहीं भी वो अपना अंशदान दे रहे हैं, वो अपनी बीमा कराएं, और उसके साथ साथ अगर उनका एम्प्लॉयर उन्हें रजिस्टर्ड नहीं कराया है या वो किसी तरह से इस लाभ से वंचित हैं, तो आप शिकायत कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि हाँ जी आप अपना कराएं, उसमें अपने आप को इनरोल करें। तो इसके साथ ही सर, जाते जाते अब हमारे पास समय भी बहुत कम रह गया है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मजदूरों के लिए कुछ सुझाव जो हो वो चलते चलते बता दें। सबसे पहले तो इसमें मजदूर भाइयों को ये समझना होगा कि उनका इसमें काफ़ी हित लाभ इसमें जुड़े हुए हैं, उसमें उनको काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं, उनके साथ साथ उनके परिवार को भी सुविधाएं मिलती हैं। जी सर आज वो काम कर रहे हैं, आज वो नौकरी कर रहे हैं, तो आज तो उनको सुविधाएं या चिकित्सा का हित लाभ जो है वो उनको मिल रहा है या उनके परिवार को मिल रहा है। लेकिन अगर इन केस कोई ट्रेजडी हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, तो उस केस में उनके परिवार को भी पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। तो इसलिए उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवरेज हों इसमें जी और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। जी सर चलते 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 मैं भी आपसे बिल्कुल भी चाहूँगा सर। मैं एक मेरे मन में अचानक ये विचार आया कि आपके इस सामुदायिक रेडियो के माध्यम से जी सर मैं उन तमाम श्रोता बंधुओं से अपील करना चाहूँगा या उन्हें जानकारी देना चाहूँगा कि जो साइट है हमारा जी सर ESIC.NIC.IN, इसके जी ऊपर ये तमाम जानकारियाँ जो हमने अभी चर्चा की जी ये सर उपलब्ध हैं। जी सर तो कोई भी बंधु, श्रमिक बंधु या हमारे एम्प्लॉयर भाई हैं, वो चाहे तो उस साइट पे जा करके ये देख सकते हैं। और दूसरा जो साइट है वो मैं आपके मतलब तो साइट बताना चाह रहा हूँ जी इनको, जी ESIC.IN, जी सर ये ESIC पोर्टल है हमारा एम्प्लॉयर के लिए भी और आईपी के लिए भी। जी एक आईपी हमारे इस पोर्टल पे जा करके अपना तमाम चेक कर सकता है कि उसके कितने पैसे जी सर एम्प्लॉयर ने काट के उसके खाते में जमा किया है या नहीं किया है। इस पोर्टल पे वो जाके चेक कर सकता है किस कंट्रीब्यूशन पीरियड में उसका कितना पैसा जमा हुआ है, कितने दिन का जमा हुआ है। ये सारी जानकारी जी हमने इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कर दी है, वो जाके चेक कर सकता है। तो मतलब इसमें कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो मैं भी आप तमाम श्रोताओं से, तमाम शिक्षार्थियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग इसको जरूर देखें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। सर आप लोग स्टूडियो में आए, आप लोगों का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद राहुल जी। तो शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे अपने पहले कार्यक्रम में मजदूर अधिकार के ऊपर, और हमारे साथ मौजूद थे श्री आशुतोष गिरी जी, ये उपनिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम से, श्रम मंत्रालय भारत सरकार, और साथ में मौजूद रहे श्री सत्येंद्र सिंह जी जो कि श्रम सलाहकार हैं।